गुड मॉर्निंग, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हेयर सॉल्यूशन पे। आज फिर एक नई वीडियो लेके आया हूँ। आपको बता दूँ कि हम हेयर स्टाइलिंग के कोर्स स्टार्ट किए हैं, उसमें काफ़ी सारी अलग अलग वीडियोज़ हम लोग अपलोड कर रहे हैं। डे वन से स्टार्ट किया है, आज है डे टेंथ, दसवां दिन है आज। यस, 10 दिन हो गए अभी। धीरे धीरे ये मैं 50-50 to 100, 100 to 200 में हम कन्वर्ट करने वाले हैं। इसी तरीके से हम लोग क्लासेस लेके आने वाले हैं, एवरीडे कोई ना कोई नई क्लास। मेरा नाम है सौरभ वर्मा और मैं अभी कैलिफोर्निया से पढ़ाता हूँ, अमेरिका में हूँ। पहले मैं इंडिया में था, इंडिया में भी पढ़ा रहा था हेयर स्टाइलिंग के बारे में, हेयर के बारे में, मेकअप के बारे में। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो कुछ पेड क्लासेस लेने के लिए तो ज़रूर मुझे कॉल मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हो, अगर आपको कुछ पेड क्लासेस चाहिए ऑनलाइन। हर एक टॉपिक के ऊपर हम लोग क्लासेस लेते हैं हेयर में, एवरीथिंग, मतलब कलर से लेके हेयर कट तक, कैराटिन स्मूदनिंग हाइलाइटिंग तक, हेयर एक्सटेंशन, हेयर डू। अभी हम हेयर स्टाइलिंग सिखा रहे हैं हेयर डू, और अलग अलग तरह के कर्ल्स, अलग अलग तरह के हेयर कट्स, सब सिखाते हैं। तो आज जो मैं जो वीडियो लेके आया हूँ उसमें सिखाने वाला हूँ हेयर प्रिपरेशन, कैसे करते हैं सबसे पहले। तो आज हमारा हेयर स्टाइलिंग का 10th डे है। मैं लिख दूँ यहाँ पे हेयर स्टाइलिंग, 10वां दिन है आज हमें। सबसे पहले प्रिपरेशन, प्रिपरेशन में क्या होता है, जब भी आपको कोई हेयर डू हेयर स्टाइल बनाना है तो क्या करना होता है, आप लोगों को पता है क्या कि क्या करते हैं हम? तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे नंबर 1 पे हेयर वॉश, सबको पता, राइट? अब मैं 5 चीजें लिख देता हूं जो जो हम करेंगे और कैसे कैसे करेंगे, उसके क्या रीजन है। तो सबसे पहले हेयर वॉश आपको करना है, तो उसमें 9 conditioner and 9 mask, ये दोनों चीजें नहीं लगानी है तब तक जब तक क्लाइंट के बाल डैमेज नहीं है। डैमेज का मतलब होता है जब क्लाइंट ने कोई केमिकल ट्रीटमेंट करवाया हुआ है, हाइलाइटिंग करवाई हुई है, बहुत ज्यादा ब्लीच किया हुआ बालों में, स्मूदनिंग की हुई है, तब बाल क्या होता है थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। जब आप कंडीशनर और मास्क लगाते हो तो आप जो स्टाइलिंग करते हो वो जल्दी खुल जाती है, जैसे कि किसी भी तरह के कर्ल्स करते हो, हेयर स्टाइल बनाते हो, वो खुल जाते हैं। तो इसलिए हम लोग मना करते हैं कि कंडीशनर और मास्क नहीं लगाना, ओनली शैम्पू करना है। शैम्पू भी कौन सा करना है जो अच्छे से बालों में से तेल निकाल दे, जो भी हमारा नेचुरल ऑयल आता है। ओके, कंडीशनर और मास्क किन हेयर में लगा सकते हो, केमिकल ट्रीटेड हेयर में, तो यहां लिख देता हूं केमिकल ट्रीटेड हेयर। इन बालों में हम लोग कंडीशनर और मास्क लगा सकते हैं, अदरवाइज आप अवॉइड ही करिए। अभी इसमें क्यों लगाते हैं, ताकि जो पहले से डैमेज है बाल या फ्रिजी हैं, यू नो, बाल ज़्यादा ब्लीच करने से या स्मूदनिंग करने से बाल डैमेज हो गए हैं, तो हम लोग ये लगा देते हैं मास्क और कंडीशनर, ताकि हम, क्योंकि हीट देंगे ऑब्वियसली या हेयर डू बनाएंगे तो और ज़्यादा डैमेज ना हो, ये रिपेयर करेगा। नंबर 2 पे है प्री हेयर स्टाइलिंग, ओके। प्री हेयर स्टाइलिंग में क्या क्या आता है आप लोगों को बता देता हूं। प्री हेयर स्टाइलिंग में सबसे पहले बालों को आपको अपने हेयरडू के लिए एक लेवल पे लेके आना है। वो लेवल पे लाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें बालों में अच्छे से लगाने पड़ते हैं पहले प्रोडक्ट, जो कि स्टार्टिंग प्रोडक्ट्स बोलते हैं या प्री स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स बोलते हैं, जैसे कि हीट प्रोटेक्टर लगाना होता है, आप शाइन स्प्रे लगा सकते हैं, आप मूस लगा सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्री स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स में आती हैं। जिन लोगों को नहीं पता है प्री स्टाइलिंग क्या है,
मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ प्री स्टाइलिंग पे, आप जाके देख सकते हो हमारे चैनल पे प्री स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स, और अदरवाइज मैं लिंक डाल दूंगा ऊपर, यहाँ से आप लोग ले सकते हो वो वीडियो। ओके, दूसरी बात, प्री स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स ओनली ऑन लगते हैं डैम्प हेयर, गीले बालों पे, जो मूस है, जेल है, एनीथिंग, जो भी आप ऐसा प्रोडक्ट लगाते हो, अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग चाहिए कर्ल्स तो आपको डैम्प हेयर पे लगाना पड़ेगा, या फिर अगर मान लो आप फ्रीलांसर हो, कहीं काम करने जा रहे हो किसी होटल में या क्लाइंट के, तो वो ऑब्वियसली पहले से हेयर वॉश किया हुआ होता है उनका, तो मुश्किल होता है कि प्री स्टाइलिंग कैसे करें। तो आप अपने साथ एक हेयर स्प्रे, सॉरी स्प्रे, वाटर स्प्रे, जो पानी वाला स्प्रे बॉटल होता है वो रखें, और उन क्लाइंट्स के पहले बाल गीले कर लें फिर मूस लगाएं, क्योंकि अगर आप गीले बालों पे मूस नहीं लगाओगे, सूखे बालों पे लगाओगे, तो वो अपना एग्जैक्ट जो रिजल्ट है वो नहीं देगा। मूस बना ही है गीले बालों पे लगने के लिए, या प्री स्टाइलिंग काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो सिर्फ गीले बालों में ही लगते हैं, आप ड्राई हेयर में नहीं लगा सकते। तो स्प्रे बोतल रखो साथ में पानी वाला। जो क्लाइंट बोलते हैं कि हमारे कर्ल्स खुल जाते हैं, उनके लिए स्पेशली ये प्री स्टाइलिंग करना बहुत ज़रूरी है। कुछ क्लाइंट बोलते हैं हमारे कर्ल्स तो टिकते ही नहीं हैं, जल्दी खुल जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे बालों में हमें क्या करना है। मैं तो धीरे धीरे सिखाने वाला ही हूँ कि हम क्या क्या करने वाले हैं, तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा कि उसमें क्या कर सकते हैं। तो ये हो गया प्री स्टाइलिंग। प्री स्टाइलिंग लगता है ऑन डैम्प हेयर या वेट हेयर। ओके, क्लियर। अब ये दो चीजें मैंने बताई, इसके बाद प्रिपरेशन में और क्या कर सकते हैं, आगे चलता हूं, इसको क्लीन करता हूं। नंबर तीन जो है वो क्या है प्रिपरेशन के अंदर, नंबर तीन पे आता है ब्लो ड्राई, जिसको बोलते हैं 100% ड्राई, या आप बोल सकते हो ब्लास्ट ड्राई। ओके, ब्लास्ट ड्राई करना है। अगर आप ब्लो ड्राई नहीं करोगे तो फिर भी आपकी, जब आप क्रिम्पिंग करते हो उसके बाद, तो मुश्किल आती है। ब्लो ड्राई अच्छे से होना चाहिए, और ऐसा ब्लो ड्राई करें कि फ्रंट का पोर्शन आपको इस साइड में पार्टीशन करना है, क्लाइंट को अदर साइड पार्टीशन करना है, या सेंटर पार्टीशन करना है, या बैक पे लेके जाने हैं, सारे बाल पीछे बांधने हैं, तो डिपेंड करता है कि क्लाइंट किस पे हेयर स्टाइलिंग हम कर रहे हैं, वो कैसा पार्टीशन चाहता है और कैसा सूट करेगा, तो उस हिसाब से आपको ब्लो ड्राई भी करना पड़ता है। तो 100% ब्लो ड्राई करें, उसके बाद हम करेंगे क्रिम्पिंग। क्रिम्पिंग जिन लोगों को नहीं आता है, वैसे तो मुझे लगता है सब लोगों को आता होगा, जिनको नहीं पता है उसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, डे 8th में आई थिंक हमने क्रिम्पिंग करके बताया हुआ है, आप जाके देख सकते हो, उसमें पूरा डिटेल में बताया है क्रिम्पिंग कैसे की जाती है। और ध्यान रखिएगा उसमें क्या क्या स्टाइलिंग प्रोडक्ट पहले आप लगा सकते हो जो क्रिम्पिंग में आपको प्रॉब्लम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्रिम्पिंग करेंगे, क्रिम्पिंग के बाद आता है लास्ट में हेयर स्टाइल। तो लास्ट में हम लोग हेयर स्टाइल करना स्टार्ट करेंगे। कुछ लोग बोलेंगे कि सर इतना सब तो क्लाइंट करने ही नहीं देता है, या बोलता है कि हमारे पास तो इतना टाइम ही नहीं है, राइट। काफी लोग ऐसे होते हैं। मैं आपको बताऊं कि अगर आप जल्दबाजी करने जाओगे तो काम ऑब्वियसली नहीं होगा, आपको टाइम लेना पड़ेगा, और कुछ स्टेप्स, ये 5 स्टेप्स तो आपको करने ही होते हैं अगर आप हेयर स्टाइलिंग करना चाहते हो, अगर आप राइट वे से हेयर डू बनाना चाहते हो। कुछ लोग होते हैं कि बिना ये किए और डायरेक्ट हेयर स्टाइल बनाना शुरू करते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम आती है, जो आपको एग्जैक्ट रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिलता है, हेयर डू हेयर स्टाइलिंग लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता है, काफ़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है जो क्लाइंट को फेस करनी पड़ती है फ्यूचर में। फिर वो आपके पास नहीं आता है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने उसके पास बनवाया था तो अच्छा नहीं बना। तो ये आपके लिए ही बेनिफिशियल है, अगर वो क्लाइंट के जूड़ा देखेंगे या हेयर डू देखेंगे या स्टाइलिंग देखेंगे, तो वो 10 क्लाइंट को और लेके आएगा।
और अगर आप पहले से ही ऐसा कर दोगे तो ऑब्वियसली कोई भी नहीं आएगा, राइट? तो ये ध्यान रखिए, प्रिपरेशन में ये 4 से 5 जो स्टेप्स हैं वो ज़रूर 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 शुरू करें, अदरवाइज़ आप हेयर स्टाइलिंग शुरू मत करें। ये ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये पार्ट्स बताए हैं। इसके बाद मैं प्लान कर रहा हूँ कि आपको हेयर स्टाइलिंग के बारे में पढ़ाना शुरू कर दूँ। अभी तक 10 पार्ट हो चुके हैं हमारे हेयर स्टाइलिंग, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो मुझे कवर करने बाकी हैं। इसके बाद हम लोग डमी पे काम करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। जैसे मैंने बताया, हमारे कुछ नए कोर्स आ रहे हैं, वो कोर्स की पिक्चर मैं यहाँ पर अपलोड कर दूँगा, आप जाके देख सकते हो। इस कोर्स में हम लोग एक्सटेंशन सिखा रहे हैं, और अगर डेट निकल गई है तो आप इसकी रिकॉर्डेड वीडियोस भी ले सकते हो हमारे से। चूँकि पेड है, पेड कोर्स है, तो इसमें 4-5 तरह की हेयर एक्सटेंशन जो कि पूरी दुनिया में की जाती है, वो सारी हेयर एक्सटेंशन मैं सिखाने वाला हूँ, आप जाके सीख सकते हो। और दूसरा कि यहाँ पे हमारा इंस्टाग्राम पेज है, इसको ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि अगर आप फॉलो करेंगे तो हमारे फॉलोअर्स आपको ही बढ़ाने हैं। उस पर हम बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स जो हैं वो शेयर करते हैं, बहुत सारे टिप्स ऐसी डालते हैं, बहुत सारे नए कोर्स आते हैं उनके बारे में बताते रहते हैं, और क्या क्या चीज़ें नई आ रही है मार्केट में उसके बारे में बताते रहते हैं। तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे शेयर करता हूँ, अगर आप स्टोरीज में भी और पोस्ट में भी अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जाके ज़रूर हमारा इंस्टाग्राम फॉलो करें, और नीचे दिए गए नंबर पे हमें आप कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हो कोई भी इशू हो, इन द सेंस कोई भी फ्यूचर कोर्स के बारे में अगर आपको ज्वाइन करना है तो ये नंबर पे कॉल करके आप हमें पूछ सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, एन्जॉय।